सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सके। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्य निष्ठा से संकल्प करता हूं। जितना इलम है उससे ज्यादा हमारे लोक में दमाक है, लेकिन हम संगठित चल नहीं सकते हैं। व्यक्तिगत अलग अलग अपनी राय रखते हैं, वो नहीं चलना चाहिए। हमें समाज को संगठित करना चाहिए। तो वो चीज करने के लिए पहले तो हमारे आज कोई भी झगड़ा का काम हो, फिसाद का काम हो, टंटा का काम हो, छोड़ देना चाहिए। 5 साल काम कर लो और हम लोग तो अब जरीफ हुए, बुढ़े हुए। हमारा काम तो एक गुलामी में से छोड़ाना था, वो तो पूरा हो गया। लेकिन उठाने के लिए नौजवान तैयार नहीं हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाए। तो ये नहीं है कि हमारे नौजवानों में दिमाग नहीं है, दिमाग तो बहुत है, तेज है, ज्यादा तेज हो गया। उसी मुसीबत होती है, जितना होता भी तेज इससे ज्यादा हो जाता। तो हर चीज में हम एक एक प्रकार की सबकी गलती निकालने का हमारा दिमाग आगे चलता है। तो एक क्रिटिकल दृष्टि हमने बनाई है कि हर चीज की चेष्टा करनी, टीका करनी, टिप्पण करना है उसके पर। लेकिन हमें प्रैक्टिकल चीज, कोई व्यवहार चीज करनी हो तो फिर किताब देखते हैं, किताब में क्या लिखा है, उससे काम नहीं होता। वो तो हाथ पर चलाने की बात है। तो जो व्यापारी लोग, जो धनिक लोग हैं, उनके साथ हमें ये जो इनके पास इलम है वो इलम भी हमें लेना पड़ेगा और उनका साथ लेना पड़ेगा कि तुम आओ भाई, मुल्क तुम्हारा है और मुल्क में आज तो बहुत मैदान पड़ा है, उसमें जितना काम आप करो, परदेशियों के समय में करते थे, इससे ज्यादा करने का मौका आपको मिलेगा। वो हमसे डरते हैं, हमारा उसको भरोसा नहीं है, हम उनका भरोसा नहीं करते। इस तरह काम नहीं चलेगा। उनका एक दूसरे का विश्वास पैदा करना चाहिए, तब काम चल सकता है। तो मजदूर का धनिकों के साथ झगड़ा, और ये जो और लोग है वो आपस में झगड़ा करे, प्रांत प्रांत का झगड़ा, इस तरह से आपस में सब झगड़ा करता रहे। तो हमारा काम ये है कि हम हिंदुस्तान में कोई भी प्रांत के पड़े हैं, हम हिंदुस्तानी हैं और हमारा प्रथम कर्तव्य हिंदुस्तान की हिफाजत, हिंदुस्तान की रक्षा और हिंदुस्तान की आजादी को तो उसकी अच्छी तरह से शोभे दीपे इस तरह से बनाना। तो सबको साथ लेके ऐसे राष्ट्र के पर्व पर, जो पहले हमें जब आजाद थे जो खुशहाली थी, उसी प्रकार की खुशहाली हो।
प्रकार मुल्क को उठाना हो, मिलजुल कर काम करना है। हम सब ने अभी लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदृष्टि से भरी हुई वाणी प्रसाद के रूप में प्राप्त की। मेरी बात बताने से पहले मैं आप सबसे भारत माता की जय का जय घोष कराऊंगा और आप सबसे मेरा आग्रह है, यूनिफॉर्म वाले सभी जवानों से भी आग्रह है और दूर दूर पहाड़ियों पर बैठे मेरे आदिवासी भाइयों बहनों को भी मेरा आग्रह है कि एक हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से सरदार साहब का स्मरण करते हुए हम भारत माता की जय का घोष करेंगे। मैं तीन बार करवाऊंगा। पुलिस बेड़े के वीर बेटे बेटियों के नाम भारत माता की। कोरोना के समय में सेवारत कोरोना वॉरियर्स के नाम भारत माता की। आत्मनिर्भरता के संकल्प को सिद्ध करने में जुटे कोटि कोटि लोगों के नाम भारत माता की। मैं कहूंगा सरदार पटेल आप लोग दो बार बोलेंगे अमर रहे अमर रहे। सरदार पटेल, सरदार पटेल, सरदार पटेल। सभी देशवासियों को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश की सैकड़ों रियासतों को, राजे रजवाड़ों को एक करके देश की विविधता को आजाद भारत की शक्ति बनाकर सरदार पटेल ने हिंदुस्तान को वर्तमान स्वरूप दिया। 2014 में हम सभी ने उनके जन्मदिन को भारत की एकता के पर्व के रूप में मनाने की शुरुआत की थी। इन 6 वर्षों में देश ने गांवों से लेकर महानगरों तक, पूरब से पश्चिम तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को पूरा करने का प्रयास किया है। आज एक बार फिर यह देश मां भारती के महान सपूत को, देश के लोह पुरुष को श्रद्धा सुमन समर्पित कर रहा है। आज एक बार फिर यह देश सरदार पटेल की इस गगनचुंबी प्रतिमा के सानिध्य में, उनकी छाया में देश की प्रगति के महायज्ञ का अपना प्राण दोहरा रहा है। यह भी अद्भुत संयोग है कि आज ही महर्षि वाल्मीकि जयंती भी है। आज हम भारत की जिस सांस्कृतिक एकता का दर्शन करते हैं, जिस भारत को अनुभव करते हैं, उसे और जीवंत और ऊर्जावान बनाने का काम सदियों पहले आदि कवि भारत की जिस सांस्कृतिक एकता का दर्शन करते हैं
जिस भारत को अनुभव करते हैं उसे और जीवंत और ऊर्जावान बनाने का काम सदियों पहले आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने ही किया था। भगवान राम के आदर्श, राम के संस्कार अगर आज भारत के कोने कोने में हमें एक दूसरे से जोड़ रहे हैं तो इसका बहुत बड़ा श्रेय भी महर्षि वाल्मीकि जी को ही जाता है। राष्ट्र को, मातृभूमि को सबसे बढ़कर मानने का महर्षि वाल्मीकि का जो उद्घोष था, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये जो मंत्र था वही आज राष्ट्र प्रथम, इंडिया फर्स्ट का उस संकल्प का मजबूत आधार है। मैं सभी देशवासियों को महर्षि वाल्मीकि जयंती के भी हृदय से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, तमिल भाषा के महाकवि और स्वतंत्र सेनानी सुब्रमण्यम भारती ने लिखा था, मन्नुम इमय मले अंगल मलये मालिल मिदुदु पोल परिधु इल्लेये इन्नरु नीर गंगे आरेंगेल आरे इंगिथन मानबीर एदिरेदु वेरे पन्नरुम उपनिट नुल्लेंगल नुले पार मिसे एधोरु नुल इधु बोले पोन नोलिर भारत नांडेगल नाडे पोट रुवोम इंगते एमक्की कल्ले इडे। सुब्रमण्यम भारती जी की जो कविता है उसका भावार्थ हिंदी में जो मिलता है, दूर सुदूर क्षेत्रों के बारे में जो वर्णन है वो भी इतना ही प्रेरक है। सुब्रमण्यम भारती जी ने जिस भाव को प्रकट किया है, दुनिया की सबसे पुरातन भाषा तमिल भाषा में किया है, और क्या अद्भुत मां भारती का वर्णन किया है। सुब्रमण्यम भारती जी के उस कविता के भाव है, चमक रहा उत्तुंग हिमालय, चमक रहा उत्तुंग हिमालय, यह नगराज हमारा ही है, जोड़ नहीं धरती पर जिसका, जोड़ नहीं धरती पर जिसका, वह नगराज हमारा ही है, नदी हमारी ही है गंगा, प्लावित करती मधुरस धारा, बहती है क्या कहीं और भी ऐसी पावन कलकल धारा, सम्मानित जो सफल विश्व में, सम्मानित जो सफल विश्व में, महिमा जिनकी बहुत रही है, अमर ग्रंथ वे सभी हमारे, अमर ग्रंथ वे सभी हमारे, उपनिषदों का देश यही है, गाएंगे यश हम सभी इसका, गाएंगे यश हम सब इसका, यह है स्वर्णिम देश हमारा।
आगे कौन जगत में हमसे गुलामी के कालखंड में भी सुब्रमण्यम भारती जी का विश्वास देखिए, वो भाव प्रकट करते हैं। आगे कौन जगत में हमसे, आगे कौन जगत में हमसे, यह है भारत देश हमारा, यह है भारत देश हमारा। सरदार पटेल ने भारत के सांस्कृतिक गौरव को लौटाने का जो यज्ञ शुरू किया था, उसका विस्तार देश ने अयोध्या में भी देखा है। आज देश राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का साक्षी बना है और भव्य राम मंदिर को बनते भी देख रहा है। साथियों, आज हम 130 करोड़ देशवासी मिलकर एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं जो सशक्त भी है और सक्षम भी हो। सरदार साहब भी कहते थे, और सरदार साहब के शब्द हैं, दुनिया का आधार किसान और मजदूर है। मैं सोचता हूं कि कैसे किसानों को गरीब और कमजोर ना रहने दूं, कैसे उन्हें मजबूत करूं और ऊंचा सिर करके चलने वाला बना दूं। सरदार साहब का ये सपना था और कहते थे। साथियों, किसान मजदूर गरीब सशक्त तब होंगे जब जब वो आत्मनिर्भर बनेंगे, और जब किसान मजदूर आत्मनिर्भर बनेंगे तभी देश आत्मनिर्भर बनेगा। साथियों, आत्मनिर्भर देश ही अपनी प्रगति के साथ साथ अपनी सुरक्षा के लिए भी आश्वस्त रह सकता है, और इसलिए आज देश रक्षा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, सीमाओं पर भी भारत की नजर और नजरिया अब बदल गए हैं। आज भारत की भूमि पर नजर घड़ाने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत हमारे वीर जवानों के हाथ में है। आज का भारत सीमाओं पर सैकड़ों किलोमीटर लंबी सड़कें बना रहा है, दर्जनों ब्रिज, अनेक सुरंगें लगातार बनाता चला जा रहा है। अपनी संप्रभुता और सम्मान की रक्षा के लिए आज का भारत पूरी तरह सज्ज है, प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, पूरी तरह तैयार है। लेकिन साथियों, प्रगति के इन प्रयासों के बीच कई ऐसी चुनौतियां भी हैं जिसका सामना आज भारत और पूरा विश्व कर रहा है। बीते कुछ समय से दुनिया के अनेक देशों में जो हालात बने हैं, जिस तरह कुछ लोग आतंकवाद के समर्थन में खुल करके सामने आ गए हैं, वो आज मानवता के लिए, विश्व के लिए, शांति के उपासकों के लिए एक वैश्विक चिंता का विषय बना हुआ है। आज के माहौल में दुनिया के सभी देशों को, सभी सरकारों को,
सभी पंथों को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की सबसे ज्यादा जरूरत है। शांति, भाईचारा और परस्पर आदर का भाव ही मानवता की सच्ची पहचान है। शांति, एकता और सद्भाव वही उसका मार्ग है। आतंकवाद, हिंसा से कभी भी किसी का कल्याण नहीं हो सकता। भारत तो पिछले कई दशकों से आतंकवाद का भुक्तभोगी रहा है, पीड़ित रहा है। भारत ने अपने हजारों वीर जवानों को खोया है, अपने हजारों निर्दोष नागरिकों को खोया है, अनेक माताओं के लाल खोए हैं, अनेक बहनों के भाई खोए हैं। आतंकी पीड़ा को भारत भली भांति जानता है। भारत ने आतंकवाद को हमेशा अपनी एकता से, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से जवाब दिया है। आज पूरे विश्व को भी एकजुट होकर हर उस ताकत को हराना है जो आतंक के साथ है, जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।